आप लोग को बोला गया था कि आपस में पहले चर्चा करके और जो सही जवाब होगा, अगर दूसरा जवाब आप सही देते भी तो भी वो मान्य नहीं होता। अब ये बोनस के लिए जाता है कावेरी हाउस के पास। फिर से प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। ये जवाब आप सोच समझ के दिए हैं? सोच समझ के तो दिए हैं। आप कोई दूसरा वैज्ञानिक का नाम बोले रहते तो वो गलत होता, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है। कावेरी हाउस को जाता है। बोनस एक पॉइंट। प्रथम राउंड का दूसरा प्रश्न जाता है कृष्णा हाउस के लिए, और कृष्णा हाउस के लिए दूसरा प्रश्न ये है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? हाथ खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, और कृष्णा हाउस से बहुत जल्द ही प्रश्न का उत्तर आया है, लेकिन वो उत्तर सही होगा या गलत होगा? सही है। कृष्णा हाउस से जाता है एक पॉइंट, दो पॉइंट उनको, दो पॉइंट। अगला प्रश्न प्रथम राउंड का पहला प्रश्न है कावेरी हाउस के लिए, और कावेरी हाउस के लिए है अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? 1972 ईस्वी में। कावेरी हाउस नहीं, पहला ही नहीं। ये तो आप जवाब दिए हैं 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी भारत के आजादी का बाद का समय है, और आपने जो दिया है वह पूर्णतः सही जवाब है। जोरदार ताली। उधर ताली, हाथ नहीं है क्या, घर रख के आए हैं? चलिए प्रथम राउंड का दूसरा प्रश्न कावेरी हाउस के लिए ही है। टेलीफोन जिससे हम लोग बात करते हैं, उसके आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? आपका समय शुरू है। सर टिक टिक कर रहे हैं। योर टाइम इज नाउ स्टार्ट। टिक टिक वन, टिक टिक टू। आप जो जवाब दीजिएगा एक ही जवाब फाइनल हो होगा। टिक टिक थ्री। इनका जवाब आ गया है। टिक टिक महाराज बंद हो जाइए, जवाब आ गया है, और इनका जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब देखना है कि इनका जवाब सही है या गलत है। अगर ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलते तो ज्यादा खराब होता। इनका जवाब पूर्णतः सही है। जोरदार ताली।